हेलो एंड वेलकम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। और आज की इस वीडियो में मैं आपका स्वागत करता हूं अपने इस चैनल के ऊपर। और आज के दिन बैंक निफ्टी ने एक अच्छी मूवमेंट तो दी है, मगर थोड़ा साइडवेज ज़रूर रहा है मार्केट, क्योंकि साइडवेज रहने का इसका एक खास कारण जो हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है, शायद आपको भी दिखाई दे। चलिए सीधा बात करते हैं मार्केट के ऊपर, और थोड़ा साइडवेज का जो मूवमेंट वो इसी जोन के ऊपर बन कर रहा है। और यहाँ से देखिए, ऐसे ही इसने थोड़ा ज़्यादा ही टाइम यहाँ पर स्पेंड किया है। मार्केट जो है अभी इसी मूवमेंट के अंदर, इसी जोन के अंदर घूमने वाला है कुछ टाइम। और यहाँ से ये हो सकता है कि इसने एक यहाँ पर ये यहाँ पर बनाया है, उसके बाद हमें एक एंट्री मिली है 5 EMA के हिसाब से ये, और उसके बाद में हमें अभी फ़िलहाल कोई एंट्री नहीं। और दूसरी एंट्री जो थी ये वाली, हल्की फुल्की सी छोटी छोटी एंट्रीज ज़रूर मिल रही हैं, बट इतनी लाउड नहीं मिल रही हैं। अगर 15 मिनट का टाइम फ्रेम भी देखें, तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम में अगर स्विच करते हैं इसको और 15 मिनट भी देखते हैं, तो 15 मिनट में यहाँ से देखिए अभी एक एंट्री आई है ESL, और अभी इसके अंदर एक एंट्री मिली है। और अगर इसका टारगेट हम पहला ये रखते हैं T1, टारगेट ये रख कर चलेंगे 15 मिनट के अंदर अभी बैंक निफ्टी के, और अगर सब कुछ सही रहा तो हम यही टारगेट को आगे कंसीडर करेंगे ये ऐसे। और इसके बाद सपोर्ट की वेट, उसके बाद हम हमारा सेकंड टारगेट ये रखेगा 43,500 के आसपास का। ऐसे हम अपना सेकंड टारगेट जो है रख कर चलेंगे। आज की मार्केट में आप भी इसी हिसाब से काम कीजिए। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही। मैं अनुराग, धन्यवाद।